विलिंगटन रोड है ये, टॉपर रास्ते में आता है विलिंगटन के, तो हम वहाँ पहले जाएंगे, एक राइट एक नाइट स्टे है वहाँ पे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम कार हमने कैसे रेंट करी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि व्यूवर्स जो है वो रहे हैं कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि कार कैसे रेंट करनी है, कितने की पड़ी है, क्या कुछ जो भी है फॉर्मेलिटी है वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा। हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल वेदर और बहुत ही फंटेस्टिक रोड कंडीशंस हैं और ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि बड़ा मज़ा आ रहा है। न्यूजीलैंड में सेल्फ ड्राइव करने का बड़ा अलग ही एक चार्म है, मज़ा है। एम्बियंस जो चारों तरफ रोड का व्यू दिखाओ, आप सामने दिखाओ कितना अच्छा व्यू है सामने, जैसे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, अप एंड डाउन है। और अभी जो जो ये जो टाइम है, ये अभी विंटर का टाइम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा होगा जो ग्रास है वो सूखा हुआ है। अगर ये समर होता ना तो ये पूरा आपको ग्रीन नजर आता। तो ये तो सबसे पहले तो हमने अभी तो हमने हमारी रोड ट्रिप शुरू हुई है। और कैसे मैंने रेंट करी, तो मैं आपको अपने आप एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने इंडिया से ही इसको बुक कर लिया था और शायद 10 दिन पहले ही बुक किया है, ज़्यादा दिन पहले भी नहीं किया था इसमें, क्योंकि रेट चेक करता रहता था। मुझे पता था ये अभी ऑफ सीज़न है तो इस टाइम में अभी कॉस्टली नहीं होंगी। ये अभी विंटर न्यूजीलैंड में ये ऑफ सीज़न कहलाता है, विंटर्स में टूरिस्ट सीज़न नहीं है वो, समर जब हमारे वहाँ जनवरी फरवरी तब टूरिस्ट सीज़न होता है। तो मैंने ये करी थी जो discovery.com, कई वेबसाइट से चेक करा मैंने, एक्चुअली डिफरेंट वेबसाइट से चेक करा, कहीं कहीं ज़्यादा प्राइस थे, कहीं 40,000 आ रहा था, 45,000 आ रहा था। तो मैंने ये इसको बुक किया था डिस्कवरी, cardiscover.com है, उन्होंने आगे मुझे गो रेंटल वेबसाइट पे लेके गए। तो ये गो रेंटल कंपनी की कार है जो मैंने बुक करी है, जो बजट और इकोनॉमी कार थी उसमें मैंने सर्च करके बुक किया। और मैंने ये बुक किया है, मैंने ये 21 को ली है ऑकलैंड एयरपोर्ट से, और मैंने इसको ड्रॉप करना है 28 को वेलिंगटन एयरपोर्ट पर। तो ये तो ड्यूरेशन आप काउंट कर लो कि 8 दिन की ये ड्यूरेशन है जो मेरी टिकट। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं वो भी बता दीजिए प्लीज़। डॉक्यूमेंट्स तो आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, इंडिया का ही बस वही चलता है, कोई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की जरूरत नहीं होती। और बाकी आपका पासपोर्ट आपको चाहिए बस, बस दो ही चीज़ें, और क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी चाहिए आपको। क्रेडिट कार्ड से कुछ आपकी अमाउंट भी होल्ड करके रखते हैं ना। हाँ, वो सिक्योरिटी अमाउंट है ना। हाँ बिल्कुल, उसकी कुछ अमाउंट होती है, कितनी होती है चार्ज, कितना किया हमारा, 1,00,000। हाँ, 1,30,000, 25,500 डॉलर। बाय चांस अगर गाड़ी को ना कुछ, 1,00,000 नहीं रुपए से ज्यादा। इस लाइन में मैं कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ी लाइन जो फास्ट वाली है, इस लाइन में कर देता हूँ ताकि वहाँ किसी को दिक्कत ना आए। आप थोड़ा धीरे चला रहे हैं ना। हाँ, तो हम धीरे चला रहे हैं क्योंकि हम साथ साथ में वीडियो बना रहे हैं और साथ साथ में आप लोगों को व्यू दिखा रहे हैं। ये जो टॉप राइट है ये थोड़ा सा फास्टेस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा वैसे भी ग्रीनरी दिख रही है ना। हाँ जी, तो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, तो वो बस क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और आपका पासपोर्ट चाहिए, और डिस्कवरी कार्ड discovery.com से मैंने इसको बुक किया और गो रेंटल कंपनी की है। अब कितने चार्जेस लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने चार्जेस लगे। तो ये चार्जेस मुझे पड़े हैं 20,500 समथिंग इंडियन करेंसी में, और 8 दिन की, एक शहर से लेनी है, दूसरे शहर को ड्रॉप करनी है, और बॉम्बे, हाँ बॉम्बे जगह है कोई यहाँ पर लिखा हुआ। अच्छा, बॉम्बे जगह का नाम है। हाँ, सामने लिखा हुआ है। रास्ते में आया था कि स्टॉप कोई जगह है उसका नाम था बॉम्बे। हाँ जी, तो इस प्रकार से मैं वहाँ से ली, और ये 20,500 दूसरे शहर, और फुल जो टैंक दिया था मुझे ऑयल का, फुल टू फुल होता है, इस दिन की होती है कि आप फुल टैंक आपको मिलेगा और आपको बाद में फुल देना है। और वहाँ पर तो ये है, अभी इसमें अगर कोई मान लो कि टोल आता है तो टोल यहाँ पर ऑनलाइन है, तो आपको यहाँ कोई फिजिकल आपको कैश देकर या किसी तरीके से टोल नहीं, अपने आप कट जाएंगे, वो मेरे अकाउंट में देख लेंगे बाद में, अगर कितने मैंने रोड टोल क्रॉस करे हैं तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो उनको कंपनी वाले लेंगे आपसे और वो एडमिन चार्जेस कुछ लेते हैं 15-20 कह रहे थे कि वो, हाँ 25 जो न्यूजीलैंड डॉलर उनके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो हम ऑनलाइन पे कर देंगे। तो इस प्रकार से मैंने इसको बुक किया और
बाकी उनकी कोई और फॉर्मेलिटीज तो है नहीं कोई खास बात, लेकिन यही होता है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इंग्लिश में होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है इंग्लिश में नहीं है तो फिर उसका आपको जो क्या बोलते हैं हम इसको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो कि ट्रांसलेशन ही होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, वो होना चाहिए। तो और हाँ ये मतलब इंग्लिश में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूके में भी लिया था तो उसमें भी इसी से बुक हुआ था और यहाँ भी लिया तो इससे बुक हो गया है। तो ये जानकारी बहुत से कुछ फ्रेंड्स मांग रहे थे, दिया मैंने। ये इकोनॉमिक कार है 20,500, 8 दिन के लिए बुक करी ऑकलैंड में लेकर, अगर मैं ऑकलैंड में ही वापस करता तो ये मुझे और सस्ती पड़ती, फिर लगभग मान लो कि आधे रेट में पड़ती, फिर 15,000 भी क्या, मतलब 10-12,000 रुपये में मुझे 8 दिन के लिए मिल जाती, क्योंकि दूसरे शहर में ड्रॉप ऑफ प्लेस डिफरेंट है तो थोड़ा उसमें एक्सपेंसिव हो जाती है गाड़ी। तो हमें रोड ट्रिप का बड़ा वो है, एक क्रेज है कि हम दूसरी सिटी में जाके तो और भी मजा आता है, तो इसलिए हम साथ में फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं जहाँ रुकना है रुक सकते हैं, हम रुक सकते हैं, कहीं कोई व्यू आता है वहाँ हम रुक सकते हैं, किसी से कुछ देखना है और किसी एरिया को किसी गांव में जाना है किसी छोटे शहर में रास्ते में रुक सकते हैं। अगर आपने गाड़ी पहले से बुक करी है तो आप एयरपोर्ट पे आके उनको कॉल कर सकते हो, वो आपको वहाँ से एयरपोर्ट से पिकअप कर लेंगे आपके लगेज और आपको। हाँ इसमें इसलिए क्योंकि बाकी के एयरपोर्ट्स में तो नहीं है, यहाँ ऑकलैंड में खासतौर पर कि जो बिल्कुल एयरपोर्ट है उसके ऊपर उनका है नहीं स्टेशन, मतलब जो पिकअप पॉइंट वहाँ नहीं है, थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा मतलब बाहर आना पड़ता है। हाँ थोड़ा सा बाहर आकर तो फिर वो आपको वो साइड में 1.5 किलोमीटर में लेके जाते हैं अपने गाड़ी में, खुद वो शटल सर्विस रहती है उनकी, वो शटल सर्विस में वो आपको गाड़ी में अपना सामान रखो, उनके साथ बैठो, उनके ऑफिस में जाओ, वहाँ से अपनी गाड़ी। और ऐसे ड्रॉप भी करना है तो वो भी वहाँ पर भी ऐसे ही, न्यूजीलैंड में ऐसे है, जैसे गो रेंटल खासतौर पर इनके बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर पिकअप पॉइंट नहीं है, तो शायद दूसरी किसी कंपनी के होंगे, लेकिन गो रेंटल सबसे सस्ती पड़ी है और ये न्यूजीलैंड की लोकल कंपनी है और सबसे सस्ती कंपनी यही मुझे मिली। बाकी कई गाड़ियाँ इसी गाड़ी के चार्जेस 40,000 भी आ रहा था, 45,000 भी आ रहा था, और मैंने 20,500 भी 8 दिन के लिए बुक करी, तो ये अच्छा मुझे डील लगी। तो होप करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कुछ और जानकारी चाहिए आपको न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड की ट्रिप के बारे में कैसे प्लान करें। और ये देखो अभी रोड थोड़ा घूम रही है, आगे से दिखाओ, यहाँ पे थोड़ा ग्रीन आ गया, ग्रीनरी आ गई थोड़ी। हाँ अभी थोड़ा हम पहले जो था ना, अभी थोड़ा जैसे जैसे साउथ में जाएंगे ना वो हिली एरिया है, अब हम साउथ में जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं। ऑकलैंड जो बिल्कुल नॉर्थ आइलैंड के टॉप में पड़ता है और अब हम साउथ आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। दो आइलैंड हैं न्यूजीलैंड में, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, और जो नॉर्थ आइलैंड का बिल्कुल साउथ है वहाँ पर वेलिंगटन है जो कि कैपिटल है न्यूजीलैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ जी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग, keep on sharing with your friends, all the best, milte hain fir aapko next vlog mein, till then goodbye, take care. GoPro stop recording.